एंटी रोमियो अभियान के नाम पर पुलिस की मनमानी, जबरन मुंडवाया युवक का सिर, 3 पुलिस कर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो टीम को सलाह दी है कि महिला सुरक्षा के नाम पर कपल्स को बेवजह परेशान न किया जाए। उन्होंने पुलिस ने सख्त निर्देश दिए हैं कि छेड़खानी रोकने के नाम पर किसी के साथ मनमानी न की जाए। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां एंटी रोमियो अभियान के नाम पर पुलिस युवाओं को परेशान कर रही है। ताज़ा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां एंटी रोमियो अभियान के दौरान पकड़े गए युवक का सरेआम सैकड़ों लोगों के सामने सिरगंजा करा दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में मुंडन का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही चौकी इंचार्ज के खिलाफ जांच बैठा दी है। मामला चौक कोतवाली की अजीजगंज चौकी क्षेत्र के साउथ सिटी का है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चौक कोतवाली क्षेत्र में बरेली मोड़ के पास एक कॉलोनी में एक कपल साथ बैठे मिले थे, जिसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर फौरन 3 पुलिस वाले पहुंच गए और लड़का लड़की से पूछताछ शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की के साथ बैठे मिले लड़के का सिरगंजा करने की मांग रख दी। मौके पर मौजूद तीनों सिपाही भी भीड़ के साथ इस काम में शामिल हो गए और तत्काल वहां नाई को भी बुला लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में लड़के का सिर मुंडवाया दिया गया। इस दौरान युवक ने पुलिस कर्मियों ने माफी की मांग करते हुए छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन सिपाहियों ने उसकी नहीं सुनी। मामला सामने आने पर शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक केबी सिंह ने मामले का संज्ञान में लेते हुए घटना के वक्त मौके पर मौजूद रहे तीनों सिपाहियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।